मध्य प्रदेश कांग्रेस सफाई कामगार प्रकोष्ठ 10 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव करेगा। इस दौरान सफाई कामगारों के हित और अधिकारों की विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। एमपी कांग्रेस सफाई कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जयराज सिंह चौहान ने बताया कि लंबे समय से सफाई कामगारों के हित में विभिन्न मांगे रखी गई थी, लेकिन हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कड़ी में सफाई कामगारों के हितों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। मध्य प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय, नगर पालिका, जिला, तहसील में कार्यरत सफाई कामगार वर्ग जो विगत काफी दिनों से त्रस्त है, उनके प्रमुख बिंदुओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनके निवास पर जाकर साइन दिया जाएगा। मैं आपके समक्ष ये दिए जाने वाले मांग पत्र का, ये लगभग 3000 से ऊपर लोग, संपूर्ण प्रदेश के 52 जिलों से लोग आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने उनको सूचित कर दिया है। मुख्य मांगे, विनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, जो कि एक शोषण की प्रक्रिया करती है, कोई कैटेगरी संवैधानिक नहीं है, विनियमित। दूसरी, ठेका और आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म करें, नगरीय निकाय और नगर पालिका अपने व्यय पर उनकी भर्ती करें। तीसरी मांग जो प्रमुख है, वे कोरोना काल में जब संपूर्ण प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, ये सफाई कामगार वर्ग अपनी जी जान और निस्वार्थ सेवा से लगा हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में इनको स्टाइपेंड 10,000 रुपये दिए जाने का वादा किया था, जो कि आज दिनांक तक एक नगरीय निकाय में नहीं दिया गया, दिया जाना चाहिए। कोरोना काल में मरे हुए सफाई कामगारों को उनको शहीद का दर्जा और 1 करोड़ की मुआवजा राशि भी दी जाना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।